नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। एक तरफ राज्य सरकार जहां पर सड़कें दुरुस्त करने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ विधायक इस पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। जी हां, भले ही पूर्व शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक अरविंद पांडे की विधानसभा गदरपुर क्षेत्र में दिनेशपुर नगर पंचायत सुंदरपुर रोड पिछले कई सालों से खराब पड़ी हुई है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बरसात के मौसम में सड़क का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इस रोड से हजारों लोग रोजाना ही गुजरते हैं। खासकर स्कूल के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगभग दर्जन स्कूल के बच्चे प्रतिदिन सुबह शाम इसी सड़क से गुजरते हैं और इसी रोड से सितकुल, जिला मुख्यालय रुद्रपुर, हल्द्वानी, गदरपुर के सभी जगह से होकर जाते हैं। सालों से खराब पड़ी इस सड़क की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील रोड कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। आपको यहाँ पर बता दें कि रोड कई गांवों को भी जोड़ती है। वहीं रोड ना बनने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी पनप रहा है। इस पर हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट की और लोगों से बातचीत भी की। आइए देखिए। भले ही राज्य सरकार राजनीति के मंचों से अपनी महिमा मंडप क्यों ना करते नजर आते हो, अपने विकास की पीठ थपथपाते नजर आते हैं, लेकिन ये विकास की क्या हकीकत है इसकी हम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे और हकीकत दिखाने की कोशिश की। लोगों से हम बात करेंगे और लोगों से जानेंगे क्या इस रोड की हालात हैं और कितने लोग यहां पर रहते हैं। ये अरविंद पांडे जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री इस क्षेत्र के रह चुके हैं, अब मौजूदा विधायक हैं, इनके यहाँ की रोड जो कि सुंदरपुर रोड कहलाई जाती है, यहाँ पर इसकी रोड के हालत बद से बदतर है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम रोड के नजारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की रोड का क्या हालात है और किस तरह से यहाँ पर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है लोगों को। यहाँ पे हर रोज लोगों को यहाँ के दो चार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ के स्कूल के बच्चों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को और क्या है। सबसे पहले यहाँ पर दुकानदार है, दुकानदार से हम पहले जानना चाहेंगे। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर ये एक दुकानदार है जो की क्या। मेरा नाम ईश्वर विश्वास है, मैं यही मोड़ का ही दुकान है, मेरी शॉप है। और यहाँ पे बरसात होने के बाद पूरा तालाब बन जाता है या घुटने तक पानी भर जाता है। स्कूली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, कीचड़ बन जाता है, जाने आने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, बहुत ज्यादा परेशानी में शब्दों में बता नहीं सकता आपको। आपने कभी भी जनप्रतिनिधि या फिर यहाँ के विधायक या किसी से कोई शिकायत की? कई बार जो है कर चुके हैं बात, लेकिन वो लोग कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, यही आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करते। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम कृष्णवत विश्वास है, वार्ड नंबर रहने वाले हूँ। इसी रोड में कम से कम नहीं तो 20 मोहल्ला 20 गांव समझिए आप, आते जाते रहते, बड़े भीड़ भाड़ रहता है। एवं 7-8 स्कूल है, पहले स्कूल में छोटे बच्चों की, जिस बच्चे की बाप की पैसा वो तो बस में आते जाते हैं और जिन पैसे नहीं वो लड़के साइकिल मारते हैं, कोई पैदल जाते, उसको घर में जाके माँ बाप पैसे नहीं बच की मेरा लड़का है कि दूसरे का लड़का है, ऐसे मोहब्बत है। या आए दिन दुर्घटना होते रहे। 10 साल पहले कांग्रेस जमाने राउंड बना, आज तक खोद करके 1 साल हुआ, आजकल इधर ना विधायक ना चेयरमैन ना मेंबर इधर ताक के भी देखा है। हम इतना दुर्भाग्यशील है कि रोड में रहते हुए। मैं रिक्शा चलाता हूँ, पर इस रोड में हमको ज्यादा पब्लिक है, ज्यादा काम पड़ता है, आना जाना होता है, तो ऐसे ऐसे खड्डा, ये देखिए जो तालाब है, तालाब जैसे सारे रोड में है, खड्डा हो गए। तो हम जब रिक्शे चलाते हैं, रिक्शे में सामान लेके जाते हैं, तो साइड देने की जगह ही नहीं होता है, चारों तरफ गड्ढा गड्ढा है, इधर जाओ तो गड्ढा, उधर जाओ तो गड्ढा। उससे कई बार ऐसे होता है कि हमारा रिक्शा टूट फूट जाते हैं। एक इनको ज्ञापन भी दिया है, मगर उसमें कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है। इसमें ये तभी होगा सुनवाई जब ये लोग इंतजार कर रहे हैं, जब एक हादसा होगा इस रोड पे तभी जाके इस पे हो सकता है सुनवाई हो। कितने लोग रहते होंगे इस वाले? इस रोड में कई कॉलोनी है, बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। आए दिन दुर्घटना का संभावना बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये मान लीजिए बहुत ही दिक्कतें होती हैं कि हमें रास्ते से कि डर लगता है कि कैसे हम इसको पार करें, भाई इस रास्ते से चले। ये तो ऐसे ही डिलीवरी होगा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगा लेडीजों को ये इस हालतों में। और क्या बताओ, गाड़ी जो है ये तो पता नहीं, उस दिन मेरे को 1600 रुपया लग गया इस रास्ता का बजाय। ऐसे रास्ता तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का होना नहीं चाहिए। पता नहीं इन लोगों का क्या है, शायद लगता है कि ये कोई कमीशन का चक्र में काम ढीला पड़ा हुआ है, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन कोई नेता लोग जो है वो ख्याल नहीं करते, इधर आते भी है लेकिन वचन देता है लेकिन रास्ता नहीं बनता है। लोगों का आरोप है कि शायद ये रोडों की
जो हालत हुई है ये कमीशन के चक्कर में हुई है। वहीं जब इस बारे में स्थानीय विधायक जी से बात की तो उन्होंने कहा कि बरसात के बाद इस पर काम होगा। आइए सुनिए। बैठने में खड़े होने की जगह हो जाएगी जो अपने आप में जगह के हिसाब से पर्याप्त है। मंत्री जी एक निवेदन आपसे, कई बार कहे थे बरसात की प्रतीक्षा की जैसे समाप्त होगी इस पे हॉट मिक्स की फर्क इसको बनाया जाएगा। अगले महीने से काम शुरू होने का संभव, बिल्कुल बरसात खत्म होते ही। बरसात कई बार देखो भाई साहब आपको पता है कि अक्टूबर लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ता, जैसे मौसम ठीक होगा इसको हम बनाएंगे। तो आपने सुना कि विधायक जी ने कि बरसात के बाद इस पर काम होगा, लेकिन सवाल उठता है कि जब मीडिया नेताओं से सवाल करेगी क्या तभी इस पर काम होगा? इतने सालों से सड़क खराब पड़ी हुई है, विधायक जी क्या सो रहे थे? क्या विधायक को अपने क्षेत्र की खराब सड़कों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? ऐसा संभव नहीं है। वहीं क्षेत्र के सांसद से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की, इस पर सवाल किया तो क्या जवाब उनसे मिला वो भी सुन लीजिए। अब बन जाएगी, शिव जी आ गए हैं, अगर ये केंद्र से लाना है तो शिव जी मुझे बताएंगे, अगर लोकल से है तो अभी तो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है आपको बने, अभी तो बन रहे हैं, अभी आप एक अच्छे विधायक आपको मिल गए। शिव जी के एरिया में बन गए, लेकिन जो अरविंद पांडे जी उनके क्षेत्र में लगभग वो भी करेंगे, वो हमारे 1.2 किलोमीटर है सर, वो नहीं बन पा रहा, उनसे भी कहेंगे। लगभग 2 साल से खुदा हुआ सर, बहुत बड़ा खड्डा, एक कागज मुझे भी दे दीजिए उसमें लिखा हुआ, ये मेरी नॉलेज में नहीं था, क्योंकि कुछ काम राज्य सरकार के हमारे माननीय विधायक बहुत अच्छा काम करते हैं, कहीं अगर छूटा होगा तो मैं सीएम साहब से बात कर लूंगा। अब बाईपास बनाना था उधर का, आपको पता है जो यहाँ का बाईपास बन रहा है वो हम लोगों ने केंद्र की योजना थी वो बना है, अब वो थोड़ा सा रह गया है वो हो जाएगा। रुद्रपुर मार्केट के लिए नया करीब 8-8.5 करोड़ रुपए अभी भी आए हैं, हम लोग दिशा में बार बार उठाते रहे, उसमें आपके विधायक जी याद दिलाते रहे तो कई काम करा रहे हैं, तो कई चीज़ों में ये चीज़ें आते रहेंगी। केंद्र की बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो तो हम लाते रहते हैं, अभी इतना बड़ा एम्स ले आए हैं यहाँ, मोदी जी ने घोषणा करी, ये अभी हल्का सा लग रहा होगा लोगों को कि एम्स आ गया, कुछ नहीं समझ रहे, अरे दिल्ली में भटकते हैं एम्स के लिए, वो सारे डॉक्टर यहाँ आएंगे, बदलियाँ होंगी तो दिल्ली का डॉक्टर यहाँ, यहाँ का वहाँ जा सकता है, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों को हम लोग ला रहे हैं, ये आप चिंता मत करिए, एक एक चीज़ें धीरे धीरे सब पूरी। तो आपने यहाँ के सांसद का जवाब भी सुना। अब जैसे कि विधायक ने कहा था कि बरसात के बाद सड़क बनवाएंगे, तो अब हम देखते हैं कि बरसात के बाद ये सड़क बनती है या फिर ये भी कोई जुमला साबित होता है, वही बरसात के बाद सड़क बनी या नहीं इसका भी रियलिटी चेक करेगा उत्तराखंड तक। तो फिलहाल इसी के साथ इसमें इतना ही, और ये थी उधम सिंह नगर से हमारे सहयोगी रमेश चंद्रा की रिपोर्ट। और अगर आपके क्षेत्र की सड़कों की भी कुछ ऐसी ही हालत है तो जल्दी से कॉमेंट करके अपने क्षेत्र का नाम और जगह का प्रॉपर तरीके से नाम और सड़क में क्या दिक्कत है जरूर यहाँ पर भेजिएगा, उस पर हमारी टीम जाएगी और ग्राउंड रिपोर्ट करेगी। धन्यवाद।